हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फोन पे को किस प्रकार से यूज करना है अपने मोबाइल में, और फोन पे पर हम अपने बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने ट्रांजैक्शन को कैसे कर सकते हैं, पेमेंट को कैसे रिसीव कर सकते हैं, ये सारे चीजें हम डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फोन पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में यूज करने के लिए हमें फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और इसके लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फोन पे, और हमें फोन पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसे हमने पहले ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है आपके टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसे इंटर करना होगा। आप उसी मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे जिससे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक है, और वो जो सिम है वो आपके मोबाइल में ही होना चाहिए, तभी आप फोन पे को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है उसे हम इंटर कर देते हैं, और इंटर करने के बाद हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद OTP आता है अपने मोबाइल में, और OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा अपने लोकेशन को, तो यहाँ पर हम इसे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद और भी कई सारे परमिशन मांगेंगे जिसे आपको अलाउ करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने फ़ोन पे में यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। जब आप इसमें पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर में जितने भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होंगे उन सारे लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिम को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा सिम में है, सिम 1 में या फिर सिम 2 में। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद इसे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका जो फ़ोनपे का UPI अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो आप जिस भी अकाउंट के बैलेंस को चेक करना चाहते हैं, जो भी आपका बैंक है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब यहाँ पर आपका जो भी डेबिट कार्ड का पिन है उसे आपको इंटर करना होगा। पिन को इंटर करने के बाद आप राइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कुछ ही देर में आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसे आप डन कर दीजिए। अब हम फोनपे के और भी कई सारे फीचर को देख लेते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है QR कोड से, तो यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपने कैमरा को अलाउ कर देंगे, और यहाँ से अब आप QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि आप अपना QR कोड को निकालना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो QR कोड है वो आपको दिख जाएगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरा आदमी यदि वो पेमेंट करना चाहते हैं QR कोड से तो वो पेमेंट कर सके आपके फ़ोनपे पर। अब आप चाहते हैं कि किसी के फ़ोन पे मोबाइल पर ही अपने बैलेंस को सेंड करें, तो यहाँ पर आप 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, और जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे यहाँ से आप पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना भी पेमेंट करना चाहें वो आप करेंगे, तो यहाँ से आप आसानी से पेमेंट को कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आपको डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में सेंड करना है बैलेंस को, तो यहाँ पर आप 2Bank UPI ID पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने पहले ही कई सारे बैंक अकाउंट को ऐड करके रखा है, तो आप इसी प्रकार से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट में आप सेंड करना चाहते हैं बैलेंस उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने इसी प्रकार से ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अमाउंट को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप पे करेंगे, और पे करने के बाद यहाँ पर आप अपना जो पिन है उसे इंटर करेंगे, और राइट पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो बैलेंस है वो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद और भी कई सारे सर्विसेज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं, उसके अलावा DTH रिचार्ज, बिजली बिल यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, लोन के रिपेमेंट को यहाँ से कर सकते हैं, और भी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से फ़ोनपे एप्लीकेशन में अपने ID को क्रिएट करना सीख चुके हैं ना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कंटेंट को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।